जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, समटाइम्स आप कहीं इंटरव्यू देते हो और इंटरव्यू में कुछ ऐसा बेसिक क्वेश्चन भी समटाइम्स सामने आ जाता है जो उस क्वेश्चन पे आप डेली बेसिस पे वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी थीम आपके जहन में नहीं होती और इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे अचानक से वो क्वेश्चन पूछ लगता है। तो इसी से रिलेटेड मेरे पास एक सवाल भी आ रहा था और आज की वीडियो का फोकस ये कुछ HPLC के दो बड़े बेसिक क्वेश्चन हैं जो आप उस पर डेली वर्किंग करते हैं, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड का नो हाउ होना भी आपका ज़रूरी है। और क्वेश्चन भी यही था, इसी से रिलेटेड था कि HPLC के अंदर हम बेस लाइन क्या होती है, और लोगों जो आपसे आपसे पूछ लेते हैं इंटरव्यू के, वो ये होता है कि बेस लाइन होती क्या है और साथ में बेस लाइन को हम स्टेबल क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये बड़े बेसिक वीडियो है, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि बेसिकली बेस लाइन होती क्या है, इसमें हम कर क्या रहे होते हैं। देखिए, HPLC जब आप एनालिसिस करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट की एनालिसिस कर रहे होते हैं, कोई भी अपनी पैच एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब सिस्टम को आप ऑन करते हैं, उस पर वाटर चलाते हैं, कॉलम लगाते हैं, सिस्टम को स्टोरेज करने के बाद सबसे पहले आप कुछ सीक्वेंस बनाते हैं। सीक्वेंस में जब कमांड दे रहे होते हैं, जो कमांड जिस मीडियम के थ्रू आप दे रहे होते हैं, और जो उस पर मीडियम रन कर रहा होता है, वो आपका मोबाइल फेज होता है। मोबाइल फेज वो है, मूविंग सॉल्वेंट है, जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड सैंपल्स को एनालिसिस करते हैं। और कंपैरेटिवली जब भी मोबाइल फेज जो आपके सिस्टम से मूव हो रहा होता है, ट्यूबिंग के थ्रू स्टार्ट रिजर्वायर से लेकर कॉलम से पास होकर डिटेक्टर तक जा जाता है, तो ये अपना रिस्पॉन्स शो करता है। तो इसी कॉलम के मोबाइल फेज के थ्रू जो पास हो रहा है, इस मोबाइल फेज का जब डिटेक्टर पे रिस्पॉन्स जो आ रहा होता है, उस रिस्पॉन्स को कैलकुलेट करना, उस रिस्पॉन्स को हम उस HPLC के एनालिसिस की बेस लाइन कहते हैं। जब डिटेक्टर मोबाइल फेज के रिस्पॉन्स को शो करे, वो आपकी बेस लाइन कहलाता है जो आप सिस्टम में रन कर रहे थे। क्लियर? ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप डेली बेस लाइन स्टेबल करते हैं, लेकिन थ्योरी का भी आपको पता होना चाहिए। आप मोबाइल फेज डिटेक्टर पे जाता है तो रिस्पॉन्स शो होता है, उस रिस्पॉन्स को हम बेस लाइन के। अब दूसरा सवाल ये था कि इसको हम स्टेबल क्यों करते हैं, बिफोर एनालिसिस क्यों रिकमेंडेड है, इसके पीछे रीजन है। देखिए, जब आपके जब तक सिस्टम आपका एक्यूलरेट नहीं होगा, सेचूरेट ठीक तरीके से नहीं होगा, जिस मीडियम को वहां से पास कर रहे, जिस मीडियम के अंदर आपने अपने स्टैंडर्ड सैंपल को एनालाइज करना है, जब तक वो मीडियम ही स्टेबलाइज नहीं होगा, तो आप अपने सैंपल को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। जब आपका डिटेक्टर का रिस्पॉन्स आपके कैरियर जो मोबाइल फेस है उसके लिहाज से रिस्पॉन्स इक्विलिब्रेट नहीं होगा, अलाइन नहीं होगा, तो आपके सैंपल को भी रिस्पॉन्स ठीक नहीं देगा, आपकी सैंपल एनालिसिस ठीक तरीके से नहीं जाएगी। अगर आपकी बेस लाइन ठीक नहीं है, कोई नॉइजी है, कोई ड्रिफ्टिंग शो कर रहा है, नेगेटिव बेस लाइन शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आप सैंपल स्टैंडर्ड को रन कर देते हैं, तो उसकी एनालिसिस एक्यूरेट में नहीं जाएगी। एक हैपाजेट कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, ये ड्रिप टू नॉइस किस चीज़ की है, ये पीक किसकी आ रही है, और ये नेगेटिव पीक क्यों शो हो रही है। तो इसीलिए अगर वो मीडियम ठीक नहीं है, तो आपकी एनालिसिस ठीक नहीं होती। इसीलिए रिकमेंडेशन यही है, बिफोर एनालिसिस, बिफोर रन टाइम, आप इंडक्शनडर स्टैंडर्ड या सैंपल के रन लगाते हैं, उससे पहले आपकी बेस लाइन का स्टेबल होना जरूरी है, यानी उसका डिटेक्टर पर रिस्पॉन्स इक्विलेट हो, रिस्पॉन्स ठीक हो, ताकि आपके सैंपल और स्टैंडर्ड को भी ठीक तरीके से रिस्पॉन्स कर सके, और जो मीडियम बेस लाइन का आपकी क्रोनोग्राम पे नजर आता है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, अलाइन हो, ताकि आपके उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपका स्टैंडर्ड और सैंपल ठीक तरीके से डिटेक्ट हो सके, जिसको आप सेंस कर सके और आपको प्रोमिनेंट उसकी पीक नजर आए। लेकिन अगर समटाइम आपने बेस लाइन स्टेबल नहीं की हो और आप स्टैंडर्ड सैंपल को इंजेक्ट करते, तो आप देखते हैं कि आपकी बेस लाइन नेगेटिव चली जाती है और फिर वहां जाके पीक शो हो रही है, तो वो क्रोमेटोग्राम एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए सिस्टम को अलाइन होना, स्टेबल होना जरूरी है, ताकि आपकी बेस लाइन ठीक हो और आपके सैंपल स्टैंडर्ड को सही से रिस्पॉन्स कर सके। ये बिल्कुल ऐसे ही जब आप गाड़ी चलाते हैं, एकदम से गाड़ी स्टार्ट की और उसको चौथे गियर में डाल दें, आप गाड़ी का इंजन हीट नहीं है, कूल है, तो डेफिनेटली उसकी सील्स को, हिंज सिस्टम को, इंजन को डैमेज कर सकता है। अगर आपने गाड़ी को फुल एक्सीलेटर दे दिया और आपकी गाड़ी बिल्कुल ठंडी खड़ी हुई हो, तो डेफिनेटली वो इफेक्ट पड़ता है आपके इंजन के ऊपर। उसमें भी रिकमेंडेशन ये है, थोड़ी गाड़ी को आप हीट करें और टेम्परेचर पे आ जाए, उसको ऑयल सर्कुलेट हो जाए इंजन के थ्रू ऑल पूरे सिस्टम के अंदर, ताकि उसके जो सिस्टम प्लंजर सीलिंग्स लगी होती हैं वो प्रॉपरली काम करे उस ऑयल सिस्टम के अंदर। यहाँ पे मोबाइल फेज होता है, तो उस ऑयल सिस्टम में चीज़ हर जगह पर उसका ऑयल से पहुँच जाता है, तो ताकि वो गाड़ी सही तरीके से चल सके। इसीलिए मोबाइल फेज को स्टेबल होना भी जरूरी है, उसका इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, बेस लाइन को स्टेबल होना जरूरी है, ताकि जो उसके ऊपर आप सैंपल स्टैंडर्ड लगाएं उसको भी आप ठीक तरीके से सेंस कर सकें। होपफुली आपको क्लियर होगा कि बेसिकली बेस लाइन है क्या और बेस लाइन को हम क्यों स्टेबल करते हैं, इसके पीछे पर्पज़ क्या है। आज की वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया।
तो होपफुली वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगेन कहूँगा चैनल को जो लोग न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।